जिला रियासी के दरमाड़ी क्षेत्र में एक मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद जो है वो पूरा जिला रियासी आज बंद था और जगह जगह जो है वो धरना प्रदर्शन जारी रहा। मैं आपको बता दूं कि आज पूरी तरह से मार्केट जो है वो पौनी की अगर मैं बात करूं तो बंद थी, अनास में बंद थी, जिला रियासी का मुख्य बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद था। और मैं आपको बता दूं कि बांबला में भी इसका असर जो है वो मिला जुला देखने को मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवखोड़ी जो है वो खुला रहा क्योंकि यात्रा स्टेशन है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े उसके चलते हुए शिवखोड़ी का मुख्य मार्ग जो है वो खुला रहा, पूरा बाजार जो है वो खुला रहा। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज हिंदू सभा की तरफ से जो है वो ये कॉल थी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है वो बंद रहेगा। ठीक उसी तरह से देखने को मिला कि जगह जगह पूरा रियासी शहर जो है वो बंद देखने को मिला था। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गाड़ियों की आवाजाही भी लोकल ट्रांसपोर्टर ने जो है वो बिल्कुल बंद रखी थी। जो शिवखोड़ी की ओर श्रद्धालु जा रहे थे या शिवखोड़ी से कटरा वैष्णो माता की तरफ जा रहे थे उनकी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति थी। तो आज मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म सभा के अनुसार कल मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगी, यानी कि जिला रियासी जो बंद था 72 घंटे का प्रशासन को समय दिया गया है कि कोई ठोस कदम जो है वो उठाए जाएं। जिन लोगों द्वारा जो शांति तत्वों द्वारा जो है वो जिन्होंने ये मूर्तियों जो है वो तोड़ी हैं उन्हें जो है वो सलाखों के पीछे धकेला जाए या प्रशासन जो है वो कोई ठोस कदम उठाए। उसके बाद जो है वो ये प्रदर्शनकारी जो है वो इन्होंने जो है वो 72 घंटे का इन्हें समय दिया है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो कल पूरी तरह से जिला रियासी खुल जाएगा, यानी कि कल मेट्रोरें भी खुल जाएंगी और पूरा बाजार जो है वो खुल जाएगा। 72 घंटे का सनातन धर्म सभा के द्वारा जो है वो प्रशासन को टाइम दिया गया है और देखने वाली ये बात रहेगी कि कौन वो आरोपी लोग हैं, क्या प्रशासन जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आज पूरा जिला रियासी बंद था और उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि कल जिला रियासी उसी तरह से बिल्कुल खुल जाएगा, यानी कि तमाम दुकानें खुल जाएंगी और गाड़ियों की आवाजाही भी पूरी चलती रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।